आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ 4th जुलाई के लिए बेस्ट 5 स्टॉक्स की लिस्ट, जिनके अंदर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ मेरी एनालिसिस बता रहा हूँ, जो रिसर्च के अंदर बेस्ट स्टॉक्स हैं वो बता रहा हूँ। तो आपको खुद से रिसर्च करनी है, और 3 मिनट पे और 5 मिनट पे या 15 मिनट पे कन्फर्मेशन हो तभी आपको ट्रेड लेना है, और 9:20 से पहले ट्रेड नहीं लेना है। अपने लेवल्स आए उनके हिसाब से ओपनिंग हो तो ट्रेड लेना है, बाकी आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद में या रेंज बनाए, ठीक है, कंसोलिडेशन का मतलब रेंज होती है, रेंज बनाने के बाद में जिस साइड में जाए अपना जो व्यू बना हुआ है उस साइड में जाता है, तो आपको एंट्री लेनी है। अब चलते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर एवरीडे मॉर्निंग में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्टर्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, साथ में आपको इंट्राडे के स्टॉक्स दिए जाते हैं, इंट्राडे की जो न्यूज़ आती है उनसे अपडेट दिया जाता है, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके सवालों के जवाब भी आपको चैनल पे मिलते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। एक और चीज़ है कि अब तक आपने हमारे अंडर डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो हमारे पास सब ब्रोकिंग आईडी है एंजल वन की और अपस्टॉक्स की, आप जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो हमारे अंडर में। अब चलते हैं स्टॉक्स की लिस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक हमने चुना है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी करेक्शन हुई थी जब ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था, और स्प्लिट के बाद में यहाँ पे जब ये यहाँ पे था तब इसके अंदर स्प्लिट हुआ था, और ये यहाँ से गिरता हुआ लगभग 400 के करीबन आ गया था, तो ये 50% 60% गिर चुका था। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ऊपर चाल शुरू हुई है, आप इसको राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हो, और यहाँ पे आप इसको नहीं मानते हो तो ये सिंपल एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसको आप ब्रेकआउट भी मान सकते हो। इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी अच्छी मूवमेंट शुरू हुई है, 10% का सर्किट लगा हुआ है, तो इसके अंदर यहाँ पे आपको कल एंट्री लेनी है। डे हाई निकलता है 675 के ऊपर एंट्री लेनी है, हालांकि इसके टारगेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर आएंगे क्योंकि मूवमेंट कल होने वाली है इसके अंदर फिर से, तो यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से मैं आपको कंजर्वेटिव टारगेट दूंगा, 685 का पहला टारगेट और 692 का दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर 664 के ऊपर लगा के रखना है। तो ये हो गया पहला स्टॉक। दूसरा वाला जो स्टॉक है वो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे इसके अंदर लिस्टिंग के बाद में ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में फिर ये नीचे आया, और यहाँ पे इसने क्या किया है, ये इस प्रकार का पैटर्न क्रिएट किया है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट यहाँ पे अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। RSI के अंदर कोई डाइवर्जेंस नहीं है, RSI अपर साइड में निकल चुकी है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि इसके अंदर डे हाई निकलता है 377 का, तो आपको एंट्री करनी है। 383 का पहला टारगेट होना चाहिए, ठीक है, और 387 का दूसरा टारगेट होना चाहिए। 377 के ऊपर आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के रखना है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के अंदर। नेक्स्ट वाला इंट्राडे का स्टॉक है वो है JSW एनर्जी, और JSW एनर्जी को मैंने काफ़ी बार दिया है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक चार्ट पैटर्न है ये बना रहा है, ठीक है, और इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया था, लेकिन ये फिर से जो नीचे की साइड में ट्रेंड लाइन थी उसका सपोर्ट ही लिया है, और यहाँ पे देखोगे कि ये करेक्शन के बाद में इसने यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बनाया है, उसके बाद में ये चल रहा है। RSI के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, RSI में डाइवर्जेंस भी नहीं है, अब आप देखोगे तो इसके अंदर चलने के पूरे पूरे चांसेज हैं। 292 के ऊपर आपको इसके अंदर एंट्री ले लेनी है, 295 का पहला टारगेट और 298 का दूसरा टारगेट रखना है इसके अंदर, और जो स्टॉप लॉस है आपको 289 के ऊपर लगा के रखना है। तो यह हो गया हमारा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला स्टॉक है वो है हमारा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे मैंने इसको ये जो ब्रेकआउट था इसके बाद मैंने यहाँ पे भी दिया था, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस के बाद में इसने क्या किया है यहाँ पे फिर से इसको रिटेस्टिंग भी की, रिटेस्टिंग के बाद में फिर ऊपर गया, और फिर ये बैंक निफ्टी की वजह से ये नीचे आ गया था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि इसने क्या किया है, वापस जो स्विंग है उसको निकालने की पूरी तैयारी कर ली है, और इसके अंदर आपको फिर से डे हाई निकलता है 321 का डे हाई निकलता है तो एंट्री लेनी है। यहाँ पे जब मैंने दिया था, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर जब निकल रहा था, ठीक है, यहाँ पे ये जो आप लेवल देख पा रहे होंगे कि ये 311, 329 और 340 का टारगेट दिया था, और 296 के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस दिया था, लेकिन ये जो लेवल यहाँ पे देखोगे कि इसके अंदर 11 रुपये का डिविडेंड भी आया था, ठीक है, तो ये 11 रुपये का डिविडेंड भी है, तो इस प्राइस के अंदर आप 11 रुपये जोड़ते हो तो ये 328 के करीबन 329 के करीबन आ रहा है, तो ये अभी भी ऊपर है, ये यहाँ पे नीचे इसीलिए आया था क्योंकि इसके अंदर डिविडेंड एडजस्टमेंट था,
तो कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 321 के ऊपर आपको एंट्री करनी है, 326 का पहला टारगेट और 328 का यहाँ पे दूसरा टारगेट लगा के रखना है, 316 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। इसके अंदर नेक्स्ट वाला जो स्टॉक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे भी इसने जो ऑल टाइम हाई है यहाँ पे इसके पास में खड़ा हुआ है, और यहाँ पे देखोगे ऑल टाइम हाई के पास में इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे लिया, फिर ये वापस गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे अब देखोगे कि ऑल टाइम हाई को निकालने की तैयारी में है। तो इसके अंदर भी क्या है, आपको 200 के लेवल के ऊपर आपको बाइंग करनी है, 203 का पहला टारगेट रखना है और 207 के ऊपर दूसरा टारगेट, 198 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। तो ये बेस्ट 5 स्टॉक्स की लिस्ट हो गई जिनके अंदर आपको खुद से भी रिसर्च करके ट्रेड लेना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंजल वन और अपस्टॉक्स में हमारे पास सब ब्रोकिंग आईडी है, तो आप हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।